तू सब सबक वज़ीर-ए-आज़म यमा मनवाज़ शरीफ आज सुबह अपने मुकर्रर वक्त पर जब दुबई एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत आला इंतजाम किए गए थे। उनको शाही प्रोटोकॉल में वहाँ से रिसीव किया गया। यमा मनवाज़ शरीफ की अमन से केवल वहाँ पर मखसूस कतारें लगाई गई, लोगों को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के पीछे खड़ा किया गया था। जब यमा मनवाज़ शरीफ वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर लोगों ने उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया, उनका इस्तकबाल किया, उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के नारे लगाए गए और उन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसके साथ साथ ही जब मियां मोहम्मद वाशी वहाँ पर पहुँच रहे मुस्करा कर हाथ अदा कर सब लोगों का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी की बहुत बड़ी तादाद में मोहम्मद वाशी वजी मामू थी, लेकिन उस समय उनके कारकुनान जो 200 के करीब जिन्होंने सफ़र करना था वो तो मौजूद थे, लेकिन दूसरे इलाकों से और दूसरे ममालिक से इतने लोग बड़ी तादाद में आ गए कि वहाँ पर सिक्योरिटी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मियां मोहम्मद वाशी भी वहाँ पर मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की मुझे पाकिस्तान के हालात देखे, पाकिस्तान की कैफियत देखे, मैं बहुत सुनता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और इन शाह मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। मियां मोहम्मद आशिफ उसके बाद सिक्योरिटी हिसार में जहाज में पहुँचे तो वहाँ पर एविएशन हुकाम के अलावा यहाँ के जो सिक्योरिटी बड़ी तादाद में उनको नसीब किया, हमने उनको तारियाँ नसीब किया और वहाँ पर जहाज के अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस वक्त जहाज रवाना हो चुका है, जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ जहाज इस वक्त दौरान बनने वाला है और 3 घंटे के बाद हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे और इस्लामाबाद आधा घंटा रुकने के बाद हम दौरान करेंगे।